खेसारी लाल यादव के लिए ये साल बहुत ही बेहतरीन है। जी हाँ, उनकी बैक टू बैक फिल्में जो हिट हो चुकी हैं और जो उनकी आने वाली फिल्में हैं वो भी कम चर्चाओं का विषय इस वक्त नहीं बनी हुई हैं। जी हाँ, उनकी एक और आने वाली फिल्म है सैया अरब गई नैना। इस फिल्म का टाइटल उनके एक सुपरहिट गाने से लिया गया है जिसे खेसारी लाल यादव ने ही गाया था। इस फिल्म को अब तक भोजपुरी सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म बताया इसलिए जा रहा है कि इसकी ज्यादातर शूटिंग अरब में होगी। इस फिल्म में काम करने वाले तकरीबन 100 लोगों को फिल्म के प्रोड्यूसर अपने पैसों से अरब लेकर जाएंगे ताकि वहां फिल्म की शूटिंग बड़े ही जोरों शोरों से और बड़े ही लार्ज स्केल पर हो सके। इसके बाद खेसारी लाल यादव की फिल्म खेसारी 786 आएगी जो कि एक एक्शन से भरपूर फिल्म होगी। इस फिल्म को लेकर भी खेसारी के जो फैंस हैं वो काफी एक्साइटेड हैं। लेकिन फिलहाल उनकी दो फिल्में दबंग सरकार और बलम जी आई लव यू तो बनकर तैयार है और साथ ही यूट्यूब पर धूम मचा भी रही है। आपको ये बताते हुए हमें जरा भी हैरानी नहीं हो रही है कि खेसारी लाल यादव की फिल्म बलम जी आई लव यू को इतना ह्यूज रिस्पांस मिला है कि अब तक किसी भी भोजपुरी की फिल्मों को नहीं मिला था। इस फिल्म के ट्रेलर को महज एक दिन में 26 लाख लोगों ने देखा जो कि अब तक के किसी भी भोजपुरी फिल्म के लिए एक रिकॉर्ड है। साथ ही दबंग सरकार की बात अगर कर ले तो दबंग सरकार को लेकर भी खेसारी के फैंस काफी एक्साइटेड हैं क्योंकि इस फिल्म के गाने अच्छा खासा लोकप्रिय हो चुके हैं। तो भाई, इस वक्त खेसारी लाल यादव की पांचों उंगलियां हैं, अरे भाई पांचों क्यों, 10 उंगलियां हैं घी में, क्योंकि लगातार हिट देने के बाद और इतनी बड़ी बड़ी फिल्म होने के बाद किसी भी स्टार के लिए एक ये बहुत बड़ी बात होती है कि वो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। साथ ही पवन और निरहुआ की भी फिल्में आ रही हैं, लेकिन खेसारी की फिल्में कहीं ना कहीं भारी तो पड़ती नजर ही आ रही हैं। हाँ, ये बात और है कि खेसारी को देखने वाला दर्शक वर्ग अलग है और पवन और निरहुआ को देखने वाला दर्शक वर्ग बिल्कुल अलग है। आपने कई मर्तबा देखा होगा कि जिस खुले तौर पर लोग खेसारी लाल यादव पे छीटा खसी करते हैं उस तरह न लोग निरहुआ पे करते हैं और ना ही पवन सिंह पर। शायद इन दोनों सुपरस्टार को देखने वाला दर्शक वर्ग इनसे अलग वे से ही जुड़ा हुआ है। खैर, ये अपनी अपनी बात है और अपना अपना स्टारडम कि लोग किस तरह से अपने दर्शक वर्ग को अपील करते हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।